गंगा दशहरे पर आज रादौर में लोगों की ऐसी स्थिति देखने को मिली कि लोग पश्चिमी यमुना नहर में जमा शहर के गंदे पानी में ही पूजा अर्चना करते दिखे। यहां पूजा अर्चना करने पहुंचे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि नहर में गंदा पानी जमा है, लेकिन गंगा दशहरे पर यहां पर पूजा करने की पौराणिक मान्यता है। उसी आस्था के नाते वे यहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। हालांकि नहर में छोड़े जा रहे गंदे पानी के लिए उन्होंने सरकार व प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं देश में जिन नहरों को जीवन दायिनी वे पूजनीय माना जाता है, आज शासन प्रशासन की लापरवाही व इनकी सफाई के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने के दावों की सच्चाई सबके सामने है। आज दशहरा है तो जैसे बड़े धूमधाम से मनाते थे, यहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ भड़ा के लगता था, और अब गंदा पानी है तो क्या करें, अपने सर दया पूजा पाठ करके जा रहे हैं जैसे हर साल की तरह जाते थे। और प्रशासन को बोला भी था कि पानी साफ होना चाहिए, पूजा पाठ अच्छी तरह हो, पर क्या करें, कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं हो रही है, गंदा पानी है, आस्था अपनी कर रहे हैं, धोख मार के जा रहे हैं सब। ये पश्चिमी यमुना नहर है, इसमें हर एक साल गंगा दशहरा के दिन जल आता था। दूसरे सरकारी थी तभी कह करके मंगवा लिया जाता था, खुलवा दिया जाता था, लेकिन ये सरकार गंगा और गऊ का नाम तो करती है, लेकिन आज गंदे नाले में लोग सवेरे से पूजन कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से रोका, कहा कि ये गंदे नाले का पानी है, शहर भर का आता है, क्यों पूजन कर रहे हो? लोगों ने कहा महाराज जी हम क्या करें, हमारे पूर्वज भी प्रत्येक वर्ष से ये आस्था का केंद्र यहाँ से पूजा करते रहे हैं, अब हम इस मिट्टी को पूज रहे हैं, इसको इसलिए पूज रहे हैं कि हम अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, हमारी भावनाएं हैं कि हमारे बुजुर्ग पूजन करते गए, हमको सिखा के गए हैं, इसलिए हमारा करना अनिवार्य है, कहा जाए इसलिए लोग पूजन कर रहे हैं। ये देख के बड़ा दुख हुआ मुझे, कम से कम हरियाणा सरकार जो भाजपा की सरकार है उनको ये बात सोचना चाहिए कि गंगा दशहरा के समय कम से कम कुछ जल इसमें छोड़ देते, जिससे लोगों के आस्था पर कुठाराघात नहीं होता। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है, मैं क्या कह सकता हूँ, लॉकडाउन है इसलिए विशेष मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।